कैसे आप सब लोग बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लुईस ने किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग की थी, मल्टीपल बॉन्ड्स कोवेलेंट में आता है वो उन्होंने बताया था। ठीक है, अब बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी हमें सीखना होगा, क्योंकि आपके अगर टेक्स्ट में देखो एग्जाम्पल 4.1 4.2 में आपको दिया हुआ है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO एंड द अदर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द लुईस मेथड। ठीक है, तो लुईस के मेथड के हिसाब से आपको वो चीज़ करनी है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग CO3 2-, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, H2O। ओके, तो O जो है वो यहाँ पर, H यहाँ पे, ये बॉन्ड हुआ, ये कैसे पता चलेगा, ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला। ठीक है, CO3 में जो रहेगा वो C के साथ O, ठीक है, कितने बॉन्ड रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे पता चलेगा, तो ये पूरा जो है उसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस रिप्रेजेंटेशन। ये स्ट्रक्चर देखने से पहले कुछ रूल्स आपको ध्यान देने हैं, तो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। रूल्स समझा दी जा रही हूँ मैं, वो रूल्स के हिसाब से आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, अब सबसे पहला रूल ये है सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम ना। जैसे सेंट्रल, जैसे कि अपन बात करते हैं H2O, तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि O सेंटर में रहेगा और H दोनों जो है वो साइड में रहेंगे। ओके, SO4 2-, तो S सेंट्रल में रहेगा, O साइड में रहेंगे, किसमें कितना बॉन्ड आएगा, कैसे पता चलेगा, आई बस समझ में। ठीक है, तो ये सेंटर में कौन सा एटम रहेगा, कैसे करना है, तो उसको सिलेक्ट करने का क्या अपने को पता चलेगा, तो उसके सिलेक्ट करने के 3-4 चीजें हैं। एक तो लीस्ट नंबर, मतलब कम संख्या मौजूद हो, जैसे H2O, तो H2O में O एक ही है, H दो बार है, तो O को हमने सेंट्रल एटम ले लिया। CO3 2-, ठीक है, तो C एक ही बार है, O तीन बार है, तो C कम नंबर में है तो उसको हम सेंट्रल एटम ले लेंगे, वो आप ले सकते हो। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी वो आप यूज करोगे, या तो लार्जेस्ट साइज जिसकी ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा वो आप चेक करोगे। जनरली लीस्ट नंबर में ही काम बन जाता है, फिर भी आपके पास ये प्रायोरिटी ऐसा है कि पहले लिस्ट नंबर पे ध्यान देना, अगर वो समझ नहीं आता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा वो, लाइक फ्लोरिन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फिर जिसकी साइज ज्यादा है वो आप देख लेना। अब जैसे H2O में अगर हम बात करते हैं, H2O में O की साइज हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उसको हमने सेंट्रल एटम ले लिया। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये तरीके से आपको सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है। इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, गांठ बांध लेना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी बीच में नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे, सल्फर नाइट्रोजन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा, फास्फोरस आएगा, सब आएंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी नहीं आएंगे। ऑक्टेट कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, जो ऑक्टेट कॉर्नर एटम है, ठीक है, बेसिकली कॉर्नर एटम रहेंगे, जैसे कि अगर आप ये वाला फिगर देखो तो यहाँ पे O जो है वो कॉर्नर में है। ठीक है, तो इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट। अब डुप्लेट से हाइड्रोजन में आता है और किसी में नहीं आता। ठीक है, डुप्लेट इज फॉर द हाइड्रोजन, डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, बाकी जो रहेंगे उनका ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने चाहिए, इस तरीके से आपको उनको अरेंज करना है, डुप्लेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि मैं कह रही हूँ NH4+, ठीक है, If positive charge is there, then it will be on the central atom. अगर positive charge है, NH4+ मैंने लिया, ठीक है, तो ये plus charge कहाँ पे लगेगा? Central atom पे लगेगा। अगर negative charge है, जैसे कि बात करते हैं CO3 2-, ठीक है, तो ये जो negative charge 2- है, वो कहाँ पे लगेगा? Corner वाले atom पे लगेगा। ठीक, corner में कौन रहेगा? Oxygen, उनमें से किसी एक oxygen पे लगेगा, वो भी बताऊंगी कि किस oxygen पे लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, पॉजिटिव ऑलवेज ऑन द सेंट्रल एटम, नेगेटिव इज ऑलवेज ऑन द कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम मस्ट हैव 8 or more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर पर जो एटम आप चूज कर रहे हो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, उससे कम वाले कोई भी नहीं रहेंगे, वो चीज याद कर लेना। इसके लिए हम लोग फ्लोरीन और हाइड्रोजन को वहां पे कंसिडर कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम मस्ट हैव 8 or more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम जो है ना, वो अपनी कोवेलेंसी को बरकरार रखता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम तक जाना चाहेगा, कम वाले में भी जा सकता है। अब कोवेलेंसी मतलब क्या होता है? एबिलिटी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं
कोवेलेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय अ सेंट्रल एटम इज नोन एज कोवेलेंसी। कुछ कोवेलेंसी के एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, ओके अब फॉस्फोरस के एटम नंबर क्या होता है बेटा, 15। कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ओके एंड 3p3, 6n5। ओके अब अगर हम लोग लास्ट देखते हैं, 3 वाले देख ले, आगे वाले तो पूरे फुलफिल्ड हैं, तो 3s कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p, p के 3 बॉक्सेस होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके कितने हैं, 1, 2, 3 हैं। ओके अब देखो यहाँ पर बेसिकली इसको एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि शेयरिंग हो जाए, वो 3 इलेक्ट्रॉन जो कमी है वो फुलफिल कर पाए। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी क्या हो गई बेटा, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी आ गई 3। ठीक है, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 5b है, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 5b है। आप लोग मैम 5 कैसे, देखो ये आपको ड्रॉ नहीं करना, बस समझा रही हूँ मैं आपको कोवेलेंसी कैसे हम पता करते हैं। जैसे 3s है, 3p, अगर 3d भी आएगा आगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अभी यहाँ पे एक रहा, इसके पास ऑलरेडी एक ही था। ये जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है वो उठकर 3d में चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि उसके हर एक खाने में, हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, 5। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3b है और 5b है, मतलब कि वो 3 से भी 3 भी बॉन्ड्स बना सकता है, ओके और पेंटावेलेंट भी बन सकता है। ओके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर सल्फर की। ठीक है, अब सल्फर का नंबर होता है 16, तो आइए क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ओके अब मैं इसको नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से लिखूं, तो 3s वाले लिखने मुझे, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 3p में कितने हैं, 4 हैं, ओके तो 1, 2, 3, 4। ओके अब मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पर, एक तो इसकी कमी है, यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, तो बेसिकली कोवेलेंसी क्या हो गई यहाँ पे, कोवेलेंसी हो गई 2। ओके अब अगर हम लोग और इसकी आगे चर्चा करें और मैं इसको डी स्ट्रक्चर में लेके जाऊं, 3s यहाँ पे है, 3p, 1, 2, 3 और ये रहा 3d, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये जो 1-2 इलेक्ट्रॉन थे इस पी में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब कितने हो गए वैलेंस, देखो 1, 2, 3, 4, तो कितनी वैलेंसी हो गई, कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। ओके अब अगर मैं और देखूँ, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है, ये वाला भी उठ सकता है ना यहाँ से, अगर ये वाला उठ गया बेटा और समझो कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और दूसरा यहाँ पे आ गया, तो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कोवेलेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, कोवेलेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब कि सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, 2, 4 और 6। बात समझ में आई, ठीक है, इसको हम कोवेलेंसी कहते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो स्टेबिलिटी कंटेन कर सकता है या स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकता है। तो हर एक की, अब देखो सल्फर की 3 थी, फॉस्फोरस की 2 थी, तो इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी, जो बदलती रहती है, क्या हो जाएगी, वेरिएबल कोवेलेंसी। सो बच्चों उस हिसाब से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको कोवेलेंसी के, तो ऑक्सीजन जो है वो उसके पास कोवेलेंसी 1 भी होगी और 2 भी होगी। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे सल्फर का तो हो गया 2, 4 और 6 होगी। ठीक है, नाइट्रोजन जो रहेगा वो रहेगा 3 या 4। अच्छा याद करना, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं बनेगा, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं बनेगा, याद कर लेना।
फॉस्फोरस की हमने देखी, क्या देखी, 3.5। क्लोरीन की होगी 1.3.5.7। ओके, कार्बन की होगी 4। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कोवेलेंसीज के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा। ओके, कोवेलेंसी के हिसाब से सेंट्रल एटम जो रहता है वो बेसिकली मैक्सिमम कोवेलेंसी ट्राई करेगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक फॉस्फोरस के पास चांसेस है वो 3 शेयर कर सकता है, 5 भी शेयर कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसको शेयरिंग करनी किसके साथ है, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं और फिर हम अच्छे खासे एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या है इसके अंदर। ना बच्चों, अब कैलकुलेशन में आपको जो ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशंस आएंगे तो आगे हम स्ट्रक्चर्स को फ्रेम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज ऑन कंपाउंड। अगर कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन कंपाउंड। पॉजिटिव चार्जेस उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, दूसरा आपको निकालना होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। उसके लिए सिंपल 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और तीसरा आप निकालोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, क्यू में से आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो तो आपके पास बच जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये आपको दो तरीके के काम में आएंगे, या तो लोन पेयर ही रहेंगे या तो फिर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, सबको क्लियर हो जाएगा। तो अभी कोई भी नंबर, कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर आएगा ड्रॉ करने के लिए, तो पहले आप ये कैलकुलेशन करोगे, इसको उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो ही जाएगा। रूल्स क्लियर हो गए, क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर्स को लेते हुए जाना है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन, तो आई होप कि आपने नोटबुक के अंदर पूरा लिख दिया है। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल स्टार्ट। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले बेसिक वाला ले लेती हूँ, लेट्स से कि हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो। अब सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे दो हाइड्रोजन है कितने हो गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास। ठीक है, अब माइनस और पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो आगे कुछ करेंगे नहीं। फिर आता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब देखो, कभी भी आपको स्ट्रक्चर आया ना बनाने के लिए, जो भी आपको दिया हो, तो जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ है तो दो बार हाइड्रोजन लिख दो और एक बॉन्ड तो बना ही लेना, एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक बॉन्ड तो आप बना ही लोगे। अब बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला क्या है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, एक बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यूटिलाइज हो गए, 2 हो गए। अब हम बात करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या था, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्यू कितना है, 2 माइनस बॉन्ड पेयर, आंसर क्या आया, 0, मतलब लोन पेयर रहेगा ही नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। तो देखो साफ से हमारा स्ट्रक्चर बन गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया H एंड सिंगल बॉन्ड H। अभी तो बहुत बेसिक वाली बात है, ठीक है, आपको पता भी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ पर क्लोरीन का। ठीक है, अब क्लोरीन में कितने रहेंगे बेटा, एक क्लोरीन के पीछे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 2 हैं, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 14। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो देख लें, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो पहले तो मैंने कहा था कि 2 क्लोरीन है ना, तो पहले तो एक बॉन्ड तो बना ही देना। ठीक है, अब क्या है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, अभी एक पेयर तो हमने बना ही दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब तक तो वही हो गया। तो लोन पेयर कितने बने हैं हमारे, लोन पेयर का क्या है, Q माइनस बॉन्ड पेयर, अब कितने हैं, 14 में से 2 हो गए, कितने बचने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए।
अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन को रखें तो देखो ऐसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और देखो इसको इसको आप ले लो 12, 13, 14। अगर हम लोग काउंटिंग करें बेटा, अगर हम काउंटिंग करें तो कर सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8 हो गया। इस क्लोरीन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसके लिए भी हो गए कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ दो दो ही है, इसके लिए सेंट्रल एटम किसी को ही मान सकते हो। ओके, तो वो चीज़ आती है, तो क्लियर हुआ। एक और कर लेते हैं हम लोग छोटा वाला ऐसा, फिर थोड़े से हायर में जाएंगे। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे नंबर 3, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पीछे, लाइक उसका नंबर क्या होता है, 8 होता है ना, तो 2.6 कितने हो गए, 6 मिलाकर कितने हो गए टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एक बॉन्ड तो आप बना ही दो, एक बॉन्ड तो आप बना ही दो, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × 1, तो 2 तो है ही इसके अंदर, ठीक है, अभी तो वही मान के चल रहे हैं हम लोग। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, तो लोन पेयर का क्या था, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, तो 12 − 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अप्लाई कर लेते इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के थे उतने मैंने यहाँ पे बना दिए। अब एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कि भाई सब जगह पे 8-8 हैं कि नहीं है। अब देखो बेटा आप लोग, तो इस ऑक्सीजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 7 ये वाला और ये 8, तो भाई ये ऑक्सीजन के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरे वाले की तरफ देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके पास तो 6 हैं, ठीक है, 8 होने चाहिए। अब क्या होगा, अब ये होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि लोन पेयर का यूज कैसे करेंगे। लोन पेयर अगर कंप्लीट हो जाते हैं 8 तो ठीक है, वह एज इट इज लोन पेयर रहेगा, बट जैसे आपने देखा कि एक ऑक्सीजन के पास 6 आ रहे हैं जबकि 8 आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर एक लोन पेयर जो बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर अभी इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले के पास ज्यादा है ना, इस वाले के पास ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, 1, 2, 3, 4 रखेगा, समझो ये जो 5, 6 वाले हैं ना नीचे वाले, उसको यहाँ पे रख देगा, और ऊपर तो ऑलरेडी था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन जो आएगा वो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे तो उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, बेसिकली क्या हुआ कि ये जो नीचे 5, 6 वाले थे ना, उसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे रख दिया, तो समझ आया। तो आप देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4, मतलब कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने, ठीक है, कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने। तो अगर हम इसमें अभी देखें तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्ड में, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ये 4 यहाँ पे माइनस कर लो तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे लोन पेयर में। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर हुआ कैसे स्ट्रक्चर बना, अब आया समझ में। चलो अब थोड़े से यूनिक वाले का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो मैंने इजी वाले लिए, आइए देख लेते हैं नंबर 4। जैसे कि अभी H3O+ वाला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो रूल देखो, ये रहा रूल, पॉजिटिव चार्ज है ये, उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ओके, मैंने भूल से खुद ने प्लस लिख दिया, ओके, तो 6 − 1, तो कितना हो जाएगा, 9 − 1, दैट इज टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर की, ओके, पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो O सेंटर में रहेगा, कम नंबर है इसके लिए प्रायोरिटी के हिसाब से, और बाकी 3 जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके साथ
एक एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एक बॉन्ड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो अब लोन पेयर कितने बचे आपके सामने हैं? टोटल माइनस बॉन्ड पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में बच गए। अब देखते हैं कि हमें लोन पेयर के हिसाब से अब कहाँ पे रखना है। देखो हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो ये हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट है, 1, 2। हाँ भाई क्लियर है। ये हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ये हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट क्लियर होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर की तरीके से ही यूज हुए, दैट्स इट। ठीक है, कहीं पे कुछ बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी बॉन्डिंग क्लियर है। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर पे यूज कर लिया। अब चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगती है? सेंटर पे लगती है। सो सेंटर पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, नर्वस बिल्कुल मत होना। NH4+। ठीक है, देखो अभी नाइट्रोजन टोटल क्यों निकाल देते हैं। नाइट्रोजन के पीछे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 नंबर होता है 5। ठीक है, तो 5 नाइट्रोजन के आ गया। हाइड्रोजन के 4 हो गए, एक के लिए एक होता है, 4 हाइड्रोजन है और +1 है इसके लिए, -1 कर लेंगे। अगेन कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यूज होंगे? तो पहले हल्का फुल्का स्ट्रक्चर बना दे अपन। NH, H, 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 H। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6, 8। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। बेसिकली लोन पेयर के लिए कुछ बचने वाला तो है नहीं, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है? टोटल माइनस बॉन्ड पेयर, टोटली 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में 8 चले गए, तो इसके लिए 0, कुछ बचने नहीं वाला। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो हाइड्रोजन में डुप्लेट होना चाहिए, तो इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीट, इसके पास भी 2 हैं कंप्लीट, इसके पास भी 2 हैं कंप्लीट, इसके पास भी 2 है कंप्लीट। तो हाइड्रोजन तो डुप्लेट क्लियर हो गया। नाइट्रोजन में 8 होने चाहिए। देखो 2, 4, 6, 8, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, इसके लिए कहीं पे कोई बॉन्डिंग या लोन पेयर की जरूरत है भी नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए क्या करेंगे? सेंट्रल एटम में पॉजिटिव लगा देंगे। क्लियर, अब समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ करना है। एक और कर लेते हैं बेटा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 वैलेंस, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, वो तो है ही है। तो बॉन्ड पेयर के हिसाब से अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, लोन पेयर के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, तो 10 माइनस 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से वैलेंसी सेट हो रही है। अब देखो कार्बन के पास 1, 2 और ऑक्सीजन के पास भी 1, 2, तो मतलब हमें अरेंज करना पड़ जाएगा। तो देखो अगर हम अरेंज करूँ ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आप देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, कार्बन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई कार्बन तो स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो गड़बड़ आ रही है। कैसे? सामने सामने है, 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की कमी आ रही है। और इसका मतलब है कि भैया बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि लोन पेयर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर के अंदर। तो अब अगर मैं इसको करूं, कितनी कमी आ रही है? 4 की। तो देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी था, और 4 के है, दूसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां बन गए। ओके, तो इसका मतलब ये कि बॉन्ड पेयर के हिसाब से अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे? 6 जा रहे, 2 की जगह कितने जा रहे? 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग 10 माइनस 6 करें तो कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1, 2 यहाँ पर रख देते हैं और 2 यहाँ पर रख देते हैं। अब चेक कर लें एक बार, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कार्बन के 8 क्लियर हो गए।
ओके अब चेक कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो फाइनली मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके से सेटअप हो गया, डन। अब समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रक्चर बनाना, ये आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 4.1 है, ओके। चलिए अब हम लोग करेंगे नेगेटिव चार्ज वाला नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, NO3-, और पहले क्यों निकाल देते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ऑक्सीजन के वजह 6 होते हैं, ऐसे 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस की साइन है इसलिए क्या कर लेंगे, प्लस, ठीक है। तो 5 + 18 + 1 कितना हो गया यहाँ पर, 19 + 5 = 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, अब ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, पहले अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दें तो क्लियर हो अपने को। सो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन व्यस्त हो गए यहाँ पे। तो अब हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 24 में से 6 निकाल दो तो आपके पास बच गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के हिसाब से भी यूटिलाइज हो सकते हैं और बॉन्ड में भी जा सकता है, अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हम लोगों को या बॉन्ड की ज़रूरत है। तो देखो ऑक्सीजन के पास अब 18 इलेक्ट्रॉन पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 काउंट कर लें, ठीक है, काउंट कर ले, उसके बाद पता चलेगा कि कोई लोन पेयर बॉन्ड में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो देखो ये ऑक्सीजन के पास ब्लू वाले डॉट्स क्लियर कर लो, तो 6 और ये 2 आ गए, 8 क्लियर है, यहाँ पर भी 6 हैं और ये आ गए 8 क्लियर है, इसके पास भी 6 और ये, तो ऑक्टेट रूल ऑफ द कॉर्नर तो कम्प्लीट है, कोई टेंशन नहीं है, बट अभी ऑक्टेट रूल ऑफ द सेंटर भी देखना पड़ेगा ना। अब सेंटर में देखो बेटा तो कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 होने चाहिए, 8 से ज्यादा होने चाहिए, 8 से कम तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, 6 हैं, 2 की कमी है, 2 की कमी का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा मेरा एन ओ ओ, और यहाँ पे मैंने कर लिया डबल बॉन्ड। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8 उसका है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नाइट्रोजन का भी आप चेक कर लो, नाइट्रोजन का भी आप चेक कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब आप देखो तो मैंने आपको दिया हुआ है ऊपर माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज कहाँ पे लगता है एज पर द रूल, कॉर्नर्स पे लगता है। अब भैया जी कॉर्नर तो यहाँ पे 3 है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, किसके ऊपर माइनस चार्ज लगाएंगे वो, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज का, इसका फॉर्मूला सीखना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज का क्या, तो फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर अपॉन बॉन्ड पेयर डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो अगेन वी स्टैंड फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल स्टैंड फॉर द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बी स्टैंड फॉर द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके अंदर सारी सारी वैल्यू सप्लाई करेंगे और देखेंगे कि माइनस चार्ज जो है वो कौन से ओ पे लगाना है। सो बेटा अब देखो यहाँ पे हम लोगों को हर एक इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, मैं इसको नंबरिंग दे दूं बेटा, तो जैसे कि इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हर एक एटम के बारे में हमें निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग है इसके लिए जरूरी है, जैसे कि मैंने फर्स्ट जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का दे रही थी, मैंने नंबरिंग दे दी, आप देख सकते हो ये रहा फर्स्ट नंबर,
ओके, अब फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। माइनस लोन पेयर कितने बेटा इसके? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोन पेयर है। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 और 2, 2 हैं, डिवाइड बाय 2। 6 माइनस 6, 0, 0 माइनस 1, कितना आया? -1। मतलब कि इसके पास जो चार्ज आया वो आया -1 चार्ज, इसके पास जो चार्ज आया वो आया -1 चार्ज। तो मैं -1 चार्ज चाहिए था, वो तो आ गया, बात तो ठीक है, बट फिर भी हमें सबका एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? उसका देखो रीजन बता रही हूँ मैं। देखो बेटा, जो चार्ज आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है वही आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा, क्योंकि देखो एक ही बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी तो माइनस चार्ज आ ही जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया। अब दो ऑक्सीजन है, दोनों पे माइनस चार्ज, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है NO3-, एक ही माइनस चार्ज है, दो बार नहीं है, जबकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है? तो कैसे, अब किस वाले ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दें अपन? चलो तो अब अपने को ये फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए सेम है, थर्ड वाला निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है? थर्ड वाला निकाल देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए माइनस? ओके, लोन पेयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 लोन पेयर है। माइनस बॉन्ड कितने हैं बेटा यहाँ पर? 1 और 2, 2 बॉन्ड हैं, ठीक है? 2 बॉन्ड मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2, तो 6 माइनस 6 कितना आया? 0। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज आया ही नहीं, 0, ठीक है? यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन में वैलेंस कितने होते हैं? 5। माइनस लोन पेयर कितने हैं? है ही नहीं नाइट्रोजन में, 0। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो 5 माइनस 0 माइनस 4, ओके, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? +1। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आया? +1। तो अब आप देखो बेटा, अब आप देखना ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो अगर आप टोटल काउंट करो चार्जेस का, तो इस ओके पास -1 है, इस ओके पास -1 है, नाइट्रोजन के पास +1 है, और दूसरे ओ के पास 0 है, तो 0 हट गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचा? -1 बचा। मतलब कि इन दोनों में से आप किसी भी एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दो, ठीक है? किसी भी एक के ऊपर माइनस चार्ज लगा दो, तो आपका स्ट्रक्चर अभी क्या बन जाएगा? आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, ठीक है? माइनस है, किसी के ऊपर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि इसमें और इसमें से किसी को लगा दो, वो वाले पे तो 0 आ गया, वो क्लियर हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल के माइनस की साइन को कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पे हम लगा सकते हैं। अरे बच्चों एक और देख लेते हैं हम लोग, NO2-, ठीक है? चलिए तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, 2 × ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, माइनस का हो जाएगा +1, तो 5, 2, 8, 12 और +1 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं? आइए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, NO, ठीक है? तो अभी तक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्ड पेयर में, एक में एक बॉन्ड में 2, ऐसे 2 बॉन्ड बना दिए तो 4 चले गए। ओके, बात करते हैं लोन पेयर की, लोन पेयर में क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4 कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो आइए पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग, सॉरी 14 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब 14 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं साइड से लोन पेयर बनेंगे या बॉन्ड में भी कन्वर्ट होगा, आइए अरेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है? ऐसे करके मैंने बना दिए। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है 6 उसके वाइट कलर के हैं और 2 बॉन्ड में आएंगे, 8 क्लियर है, सेम यहाँ पे भी 8 क्लियर है। बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में आ जाओ बच्चों, देखो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब कि एक लोन पेयर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड के अंदर, समझो ये वाले इलेक्ट्रॉन
उसको मैं बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चलो क्लियर है। नाउ अब माइनस चार्ज कॉर्नर्स पे लगेगा, वो क्लियर है, बट माइनस चार्ज अब दो ऑक्सीजन है कॉर्नर पे तो किस कॉर्नर पे लगेगा, उसके लिए मैं निकालना होगा फॉर्मल चार्ज। ठीक, निकालना होगा फॉर्मल चार्ज। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देती हूँ, ये हो गया मेरा सेकंड नंबर और ये हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मल चार्ज क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है इसके लिए कितने वैलेंस होंगे, 6। माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4। माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइड बाय 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। 4 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 6 - 4 - 2 6 - 6 0 तो इसके पास तो भाई चार्ज आया ही नहीं। ठीक है, इसके पास तो चार्ज क्या हो गया, 0। अब एक चीज आपको दिमाग में बिठानी, बिठा दो, जब भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आएगा चार्ज 0 तो नहीं भी निकालो तो चलेगा, यू हैव द कॉमन सेंस कि भाई डबल बॉन्ड में 0 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड में सीधी सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास चार्ज। ठीक है, कॉर्नर पे लगाना है तो सेंट्रल एटम का कैलकुलेट नहीं भी कर चल जाएगा, एक कॉर्नर पे 0 आया तो दूसरे कॉर्नर पे माइनस चार्ज आ ही जाएगा। ठीक है बच्चा भाटी, क्लियर हुआ? सो आई होप कि अब आपको समझ में आया कि लूज स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करना है, और स्पेशली जब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव करे तो ईजी था, ठीक है, पर नेगेटिव चार्ज किस कॉर्नर पे आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज मतलब सेंट्रल तो कोई टेंशन नहीं है, पर नेगेटिव किस कॉर्नर के एटम्स पे आएगा उसके लिए यू हैव टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर, एंड सी यू, बाय बाय।